हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका एक और वीडियो में। और आज की वीडियो थोड़ी सी अलग होने वाली है, क्योंकि आज अनलाइक माय अदर ट्रैवल वीडियोस, आज मैं ट्रैवल करने वाला हूँ ट्रेन से। बाकी सारी वीडियोस में कार रहती है, इस बार ट्रेन से सफर करने वाला, क्योंकि सफर थोड़ा सा लंबा है मुंबई टू दिल्ली। ट्रेन जो मैंने चूज करी है वो है राजधानी एक्सप्रेस, क्योंकि आज तक मैं कभी भी राजधानी में नहीं बैठा था। शताब्दी में बैठा हूँ, दुरंतों में बैठा हूँ, बस राजधानी में कभी नहीं बैठा मैं। तो मैंने सोचा इसको रिकॉर्ड करा जाए, और जो भी चीजें इसमें होंगी, जैसे कि क्या क्या खाने को क्या क्या मिलता है, कैसे कैसी इसकी बाकी सारी सर्विसेज जो है, वो सारी चीजें मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो ये है हमारी ट्रेन, और जो क्लास है वो है सेकंड एसी, फर्स्ट एसी नहीं भाई, और थर्ड एसी भी नहीं, दोनों के बीच का। तो बाकी बातें करते हैं ट्रेन में पहुँच के। स्टेशन जो है, मैं हूँ अभी मुंबई सेंट्रल स्टेशन पे, और मेरे ख्याल से, इफ आई एम रॉन्ग प्लीज करेक्ट मी, बट मेरे ख्याल से ये वही स्टेशन है जहाँ पे ये जवानी है दीवानी की शूटिंग हुई थी। वैसे ही कुछ थोड़ा बहुत मुझे लग रहा है, अब वो यहाँ पे शूट हुई थी या सेट था पता नहीं मुझे, बट हाँ। बट यहाँ जो ये पंखे देख रहे हो आप भाई साहब, भयंकर, मतलब ह्यूज, और लिटरली इन्हीं की जरूरत है मुंबई में भाई साहब, बहुत गर्मी है। तो ये है मेरी सीट 46 नंबर। मैं बेसिकली जब भी ट्रैवल करता हूँ तो प्रेफर करता हूँ कि अपर सीट मिले, क्योंकि थोड़ी सी टेंशन कम होती है, मतलब नीचे वालों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, भाई साहब दिन हो गया, उठो बैठो, तो इसलिए मैं ऊपर की सीट लेता हूँ। घुसो, लेट जाओ, सोना है, जो करना है करो। तो अब बात कर लेते हैं इस ट्रेन की हिस्ट्री के बारे में। तो ये ट्रेन शुरू हुई थी, जो अगस्त क्रांति है वो बेसिकली शुरू हुई थी 1992 में, और ये जो हमारा क्विट इंडिया मूवमेंट था, जो कि गांधी जी ने 1942 में स्टार्ट किया था, 8th of August 1942, तो इसीलिए इसका नाम अगस्त क्रांति एक्सप्रेस है, और फिर इसको राजधानी बन गई है। और जो अगस्त क्रांति मैदान जो है वो यहीं मुंबई में ही है। तो ये है इसका कनेक्शन, जो इस ट्रेन की स्टार्टिंग का। तो ये तो हो गई हिस्ट्री के बारे में बात। अब मैं दिखाता हूँ आपको ट्रेन में है क्या क्या यहाँ सीट के आसपास। और एक काफी अच्छी चीज, जो कि आपको मेरे चेहरे पे लाइट दिखाई दे रही होगी, सबसे बड़ी चीज वही है कि ये देखें, हर एक बर्थ पे यहाँ पे, मतलब ये तो आपका हर ट्रेन में मिलने लगा है, बट हाँ हर एक बर्थ पे ये लाइट और एक ये सॉकेट। तो मेरे चेहरे पर जो लाइट आ रही थी वो स्पॉट लाइट थी। थैंक यू इंडियन रेलवे। इसके अलावा जो चीजें हैं यहाँ पे, एक ये होल्डर है, और मतलब इस पर लिखा बॉटल होल्डर है, बट ये काफी मजबूत है, तो इस पर आप काफी सारे सामान रख सकते हैं। देन ये एक मिरर है, दो हैंगर्स हैं, और एक और ये रैक है, और हाँ ये जो ब्लैंकेट वगैरह थे, ब्लैंकेट पिलो, ये सब चीजें मिलनी शुरू हो गई हैं। खाना मिलना शुरू हो गया है ट्रेन में, तो ये सारी चीजें अभी आप आगे देखोगे। अच्छा, एक चीज और जो कि मुझे अभी अपनी लास्ट ट्रिप में पता चली थी, कि ये जो सीट होती है और ये जो ये बैकरेस्ट है, इसको सोने के टाइम पे आप इसको गिरा सकते हो यहाँ पे नीचे, तो ये काफी ऐसे कंफर्टेबल सा बेड बन जाता है। तो इसको गिराने के लिए आपको ये जो ये आप देख रहे हो, इसको यहाँ से रिलीज करना होता है, एंड ये तो। और एक और चीज यहाँ पे, ये जो विंडो है ये इमरजेंसी एग्जिट वाली है, जैसा ये देख सकते हो, तो ये जो रबर है ये यहाँ से निकल जाएगा, और जो हमारी विंडो है उसके ऊपर हमारे पास एक कर्टन भी है, जिसको हम ऐसे, और इसके नीचे का भी होना चाहिए, ओके ये रहा यहाँ पे। और ये जो ट्रेन है ये मुंबई से दिल्ली तक लगभग 1400 किलोमीटर, 1450 किलोमीटर है। इसको ये सफर तय करने में इसको लगेंगे लगभग 16.5 घंटे। ये देखिए, एक हमें मिला है यहाँ पे कर्टन, और एक अच्छी चीज इसमें ये है कि जो ये स्टेप्स दिए हुए हैं ऊपर चढ़ने के लिए, ये काफी मतलब रिजिड, और ये थोड़े से ऐसे जगह इसमें ज्यादा है, थोड़े मोटे हैं, ये काफी अच्छी चीज है। और क्या कहते हैं, पहली चीज हमें मिल चुकी है टाइम्स ऑफ इंडिया, भाई साहब हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस दे देते, बट ठीक है। और ट्रेन चल चुकी है भाई साहब, टाइम हो रहा है 5:12, 2 मिनट लेट, 2 मिनट्स। और हाँ, अगर आपको जानना है कि कौन कौन से स्टॉपेजेस हैं इसके स्टॉपेज थोड़े ज़्यादा हैं कम्पेयर टू अदर राजधानीज, जैसे कि मुंबई से निकलने के बाद बोरीवली, पापी, वलसाड, सूरत के बाद मथुरा, एंड देन दिल्ली। तो इतने स्टॉपेज हैं इसके, थोड़े से इसके स्टॉपेज ज़्यादा हैं, विच ब्रिंग्स अस टू द क्वेश्चन कि मैंने ये क्यों चूज़ करी। मैंने ये चूज़ इसलिए करी थी क्योंकि जो भी राजधानी, दुरंतो और शताब्दी हैं, इन सब में डायनामिक प्राइसिंग चलती है, कि जैसे जैसे सीट्स कम होंगी वैसे वैसे हर एक सीट का प्राइस बढ़ेगा, जैसे फ्लाइट में होता है। तो जब मैं बुक कर रहा था तो इसमें सबसे ज़्यादा सीट्स बची थी, और सबसे कम रेट इसका था, तो दैट इज़ द रीज़न।
इसके बाद अगली चीज जो हमें मिल चुकी है वो है पानी, 1 लीटर पानी हमें फ्री मिल चुका है। और उन्होंने खाने का वो पूछा कि क्या चाहिए आपको, तो मैंने नॉनवेज लिया। हाँ, एक चीज अभी नई जो शुरू हुई है वो ये है कि आप चूज कर सकते हो कि आपको खाना चाहिए या नहीं चाहिए, या नहीं चाहिए उस हिसाब से फेयर आपका डिसाइड होता है। हाँ, आपको वहाँ पे चूज भी करना होता है ना कि वेज चाहिए कि नॉन वेज चाहिए। तो अगर आपने मान लिया वहाँ पे वेज चूज कर लिया, तो ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे आके नॉन वेज ले सकते या वाइस वर्सा। तो वो चीजें आप यहाँ पे आके फाइनलाइज कर सकते हैं। इसके बाद जो अगली चीज हमारे पास आ चुकी है भाई साहब, थोड़ा सा ऐसे शाम का नाश्ता, जिसमें है एक छोटा सा समोसा, एक ये वाली नमकीन, एक ये वाली नमकीन, एक सोन केक लिखा हुआ है उसमें, बट वही सोन पापड़ी, देन एक फ्रूटी या मैंगो ड्रिंक, और ये है हमारे पास चाय बनाने का सामान भाई साहब, चाय या कॉफ़ी आपके पास ऑप्शन था, तो मैंने कॉफ़ी लिया है। तो एक ये कॉफ़ी का पैकेट, एक ये हॉट वाटर, और बाकी ये सब सामग्रियाँ। भाई साहब आ चुका है खाना, और बस एक दिक्कत वाली बात यह है कि खाना जो आता है ये 8:30 बजे के आसपास आ जाता है, और मतलब मेरी जो आदत है वो है लगभग 10:30-11 बजे खाने की, तो वो एक दिक्कत वाली बात है, बस बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आ गया है तो अब खाते हैं, उससे पहले आपको दिखाते हैं कि क्या क्या चीज़ें आई हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने नॉनवेज मंगाया है, तो नॉनवेज में आया है चिकन मसाला, दाल, और ये क्या है, अचार, एक माउथ फ्रेशनर, एक दही, और 4 रोटियां और एक चावल। एक अच्छी बात इसमें ये है कि हर एक प्रोडक्ट के ऊपर या जो भी फूड आइटम है उसके ऊपर मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखी हुई है या पैकिंग डेट लिखी हुई है कि किस दिन ये पैक हुआ है। तो ऐसी कुछ शक्ल है भाई साहब खाने की। और रोटी में अपेरेंटली घी लगा हुआ है जो कि मुझे पसंद नहीं है। ये आपको चिकन और दाल दोनों देख के समझ में आ रहा होगा कि मतलब कैसी क्वालिटी है, एकदम पतली सी दाल है, ट्रेन जैसे हिल रही है, तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। बाकी राइस मैं बाद में खाऊंगा, दही मैं खाऊंगा नहीं, और पिकल उसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये भाई खुल चुका है चावल। और हाँ, चिकन में अगर आपको जानना है कि कितने पीसेस थे तो मैं आपको बता दूँ कि उसमें 2 पीसेस थे। और टीटी सर के पास मैंने देखा भाई साहब टैब आ चुका है, चार्ट वाला ज़माना ख़त्म अब। और जब खाना आया था ना तो मैं सोच रहा था कि स्वीट डिश तो इसमें आई नहीं है, तो ऐसा नहीं है, इंडियन रेलवे ने सोचा हुआ है। और उन्होंने फिर आके लगभग खाना डिलीवरी के लगभग आधे घंटे बाद उन्होंने आके एक ये आइसक्रीम दी हमें। गुड मॉर्निंग गाइस, इट इज़ द नेक्स्ट मॉर्निंग, रात में खाना खाने के बाद कब नींद आई, अब उठते हैं देखते हैं क्या क्या है करने को। और ट्रेन लेट काफ़ी हो गई है, 2 घंटे से ज़्यादा लेट हो गई। ये जैसे आप देख सकते हो, इसको कोटा पहुंचना था सुबह 4:10 पे, और अभी मैं वही टाइम इसका 8 बजे का दिखा रहा है, अभी हो रहा है 7 बज रहा है, और अभी हम लोग 120 किलोमीटर लगभग 100-120 किलोमीटर दूर है कोटा से। तो अभी मैं हूँ वॉशरूम में ट्रेन के, और एक काफ़ी नई चीज़ मुझे दिखी है, मैं आपको सबको दिखाता हूँ, बट एक नई चीज़ ये दिखी है, बेबी सीट। और ये मेरे ख्याल से अभी थोड़े दिनों पहले ही इंस्टॉल हुई है, न्यूज़ भी आई थी इसके बारे में। और बाकी जो चीज़ें, एक मिरर, हैंड वॉश, रोटियाँ, बेसन, पानी आ रहा है, और नीचे यहाँ पे उन्होंने अब ये मैट भी लगा दिया है, तो इससे थोड़ा फील थोड़ा सही रहता है, और एक जेट स्प्रे भी। तो भाई सुबह की चाय के बाद नाश्ता आ चुका है, इसमें मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि पोहा होगा क्योंकि कल रात में उन्होंने बताया था, और नहीं पोहा नहीं, कटलेट है। अच्छा ओके, ये कटलेट है, ये ब्रेड है, बटर है, चाय का भी जुगाड़ इसमें दिया हुआ है, हो सकता है फिर से चाय मिलेगी, और एक वापस से मैंगो जूस। अच्छा, मैं ना कल से देख रहा हूँ कि जितने भी मिल्क प्रोडक्ट्स हैं सब पे ऐसे वेरका लिखा हुआ है, ये दिमाग में मेरा चल रहा है कि कहाँ देखा है वेरका, कुछ तो सुना हुआ है, कुछ तो सुना हुआ है,
तो मुझे ऐसे याद आया, अच्छा करतारपुर के पास में था वेरका, वेरका जंक्शन से मतलब अगर आप ट्रेन से जाओगे तो वेरका उतर के फिर वैसे जाना होता, और अगर आप लोगों ने करतारपुर के वीडियो नहीं देखे तो देख लो आई बटन में आ रहा हो। एंड दी फाइनल मील आई गेस विच वी वर नॉट सपोज टू गेट, बट आई गेस द ट्रेन गॉट लेट, इसकी वजह से हमें ये मिला है जिसमें दाल और चावल है सिंपल, बट काफ़ी कम है यार, मतलब भूख थोड़ी ज़्यादा लग रही है। और ये देखो भैया जी ये तेल भगा रहे हैं खुद, अब क्या फ़ायदा भाई, जरा सी दूरी बची है, पहले भगाना चाहिए था, टाइम पर पहुँचते तक बेइज्जती कर डाली, मतलब एकदम राजधानी एक्सप्रेस की। तो ये था पूरा मेरा एक्सपीरियंस, ये पहला एक्सपीरियंस राजधानी का, बाकी सब कुछ बहुत बढ़िया था, लेट बहुत ज़्यादा हुई क्योंकि 9:48 के आसपास को पहुंचना था और अभी हो रहा है 2:12, काफ़ी ज़्यादा लेट। तो एंड करते हैं ये वीडियो यहीं पे क्योंकि सिर्फ इस ट्रेन के बारे में था। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो, बाकी फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।